खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर, तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने 3 दुष्कर्मियों को किया गिरफ्तार। युवक शादीशुदा महिला के साथ हुआ फरार, फरार युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रंगदारी मामले को लेकर किया उद्भेदन, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नर्स की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया अस्पताल में जमकर हंगामा। कड़ी सुरक्षा के बीच की गई मतगणना, परिणाम जानने को लेकर प्रत्याशियों में दिखा उत्साह। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां गया शहर के गया कॉलेज के प्रांगण में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के मतों की गिनती मानविकी भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। वही इस दौरान मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और उनके समर्थक भी पहुंचे, जिनमें परिणाम जानने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। खबर सहरसा से है, जहां सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन और कला भवन में बिहार जातिगत जनगणना को लेकर दूसरे चरण की प्रशिक्षण शुरू हुई है। बता दें कि दोनों केंद्रों पर कुल 80 शिक्षक जातिगत जनगणना को लेकर प्रशिक्षण ले रहे थे, जिसके लिए चाय और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। वह प्रशिक्षण के दौरान देखा गया कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए टेबल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे वो अपने पैर पर ही पेपर रखकर लिखते नजर आए। बता दें कि केंद्र प्रभारी ने बताया कि ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम 12 अप्रैल तक यूं ही चलेगा। है उसके जाति का नाम, उसका धर्म, उसका जन्म तिथि, आयु, ये सारा कुछ, और उसका क्या व्यवसाय है, क्या कार्यकलाप है, उसका मासिक आय क्या है, ये सारा कॉलम के अनुसार से उसको भरना है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा? ये 15 अप्रैल से शुरू होकर के 15 मई तक का यह कार्यक्रम है। अच्छा। अभी शुरुआत में हम लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम दे रहे हैं, जो सौर बाजार प्रखंड में 12 तारीख तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। अच्छा। उसके बाद 15 से इसका मूल रूप से काम शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से। मोकामा प्रखंड के एक गांव से एक छात्रा को हथियार के बल पर घर के दरवाजे से अगवा कर गैंगरेप के सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। बारी बारी से 4 युवकों ने अगवा छात्रा को बगीचे में ले जा करके गैंगरेप किया और घटना के बाद छात्रा की जमकर पिटाई कर दुपट्टे से फांसी लगाकर पेड़ पर लटका दिया। वही मामले की सूचना पाकर पुलिस और ग्रामीणों की मदद से छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 दुष्कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसको पीछे लग गया 4 को गुंडा लगने के बाद उसको मुंह बांध करके ले गए गाछिए में। क्या किया नहीं किया उसमें बलात्कार, उसका देखे तो बेहोश हो गया, बलात्कार किया 4 को मिल, उसके बाद फांसी लगा के गाछ में टांग दिया और बोला, धमकी दिया कि जो कहिएगा माँ बाप के तो मार देंगे। उसका क्या हाल होना चाहिए? हमको चाहिए यही कि उसका जिंदा नहीं चाहिए, मुर्दा उसका फांसी सजा होना चाहिए। नाबालिग लड़की है,
उनकी तरफ से बलात्कार की शिकायत हुई थी और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और तत्काल कार्रवाई करते हुए पचमैला ओपी और मराठी थाना अध्यक्ष यहाँ पर हैं, तत्काल कार्रवाई करते हुए चार लोगों में से तीन लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई। अग्रिम क्या कार्रवाई है, FSL की टीम ऑन द वे है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट्स में FSL की टीम हमारे यहाँ पहुँच रही है। FSL की टीम आएगी घटनास्थल से और केस की संवेदनशीलता को देखते हुए जो भी साक्ष्य वगैरह हैं FSL की टीम आकर अपना संकलित करेगी। आगे अनुसंधान में हम लोग साक्ष्य भी लगाएंगे और जो एक अभियुक्त बाकी है उनके। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है जहां रामनगर थाना क्षेत्र के तौलाहा गांव निवासी युवक के पिता ने थाने में अपनी पत्नी को लेकर भागने के मामले में अपनी ही गांव के एक युवक पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष सह निरीक्षक अनंत राम के नेतृत्व में SI चंद्रभूषण प्रसाद और SI शिव नारायण चौधरी ने 16 घंटे के अंदर फरार महिला और युवक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। कुमारी का प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्यामजीत पड़ित एवं अन्य दो के द्वारा अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपिता बबीता कुमारी को 24 घंटे के अंदर टावर लोकेशन के आधार पर बरामद कर लिया गया तथा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्यामजीत पड़ित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां नरकटियागंज में आलू व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी के मामले का बेतिया पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। वही मामले में पुलिस ने चार अपराधियों के साथ भारी मात्रा में गांजा और देसी कट्टा के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजा है और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पीरपैती नगर पंचायत स्थित पीरपैती रेफरल अस्पताल में बीते शुक्रवार को एक प्रसूति की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना के दूसरे दिन CM डॉक्टर अंजना ओम प्रकाश एवं SDM कुमार विवेक और प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने मामले की जानकारी ली है और SDM ने बताया कि प्रसूति की मौत के पीछे दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर दो टीमों का गठन भी किया गया है। जांच के बाद ही आप लोग को जब रिपोर्ट आएगी तो उसके अनुसार तय होगा किसका लापरवाही। अभी हम कल आए थे यहाँ पर जी, कल के बाद हमारा कुछ जांच में कुछ बिंदुओं पर कल जांच नहीं हो पाई थी, जैसे कि आशा की जो थी जो दीदी यहाँ पर इनको लेके आई थी और जो ANM वगैरह थी वेड 1 नर्स थी, तो उन लोग से कल पूछताछ नहीं हो पाई थी क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो आज उनको बुलाया गया तो उनसे आज बातचीत कर ली गई है। 29 तारीख को सर पेशेंट आई थी, 31 तारीख को मौत के बाद उसका एंट्री हुआ, तो इसका किसका लापरवाही पड़ती थी? अभी जाँच का विषय है, जाँच का विषय जब कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये सब हम लोग जवाबदेही तय करेंगे। ठीक है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेला जो कि मुजफ्फरपुर में के गरहा में लगाया गया है। बता दें कि इस मेले में पशु पक्षी भी बेचे जाते हैं और साथ ही बच्चों के खेलने का सामान के साथ साथ महिला और पुरुषों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वह इस मेले में कुश्ती का भी आयोजन किया गया। दरअसल इस मेले का आयोजन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह औराई से भाजपा विधायक रामसूरत राय के द्वारा किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की शाही लीची की मांग लीची अनुसंधान संस्थान के द्वारा की गई है। बता दें कि शाही लीची अब एक बार फिर से अपनी स्वाद और खुशबू को पूर्वोत्तर के साथ ही दक्षिण भारत में लोगों के आजीविका और स्वाद को भी घेरेगी और जिला मुजफ्फरपुर का नाम एक बार फिर से बढ़ेगा। वहीं से शाही लीची इसको लेकर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान ने मांग की है। इस बार हमारे पास पौधा जो है अरुणाचल प्रदेश से ऑलरेडी आ गया है, अरुणाचल प्रदेश जाएगा और छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं और झारखंड में अभी तक ये तीन जिलों से आ चुका है रिक्वायरमेंट, और कुछ पौधा ऑलरेडी जा चुका है सिक्किम में भी, वो लोग पौधा ले चुके हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे जैसे जैसे लीची लगाने का समय आएगा, बरसात के सीजन आएगा, बाकी राज्यों से भी लोगों का रिक्वायरमेंट आएगा। हम ऑलरेडी इंक्वायरी आ चुका है तमिलनाडु में भी लगाने के, कर्नाटक में भी लगाने के लिए इंक्वायरी आ चुका है। पटना से 4 सदस्य फॉरेंसिक जांच की टीम बिहार शरीफ पहुंची। इस दौरान फॉरेंसिक जांच की टीम उन जगहों पर गई जहां पिछले 31 मार्च को जमकर आगजनी
और रोडबाजी हुई थी। वही फॉरेंसिक जांच की टीम ने कुछ जगहों से अहम साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं, जबकि फॉरेंसिक जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि जब तक केमिकल जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। जांच टीम में शामिल अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च को हुई आगजनी के दौरान उपद्रवियों ने केमिकल या पेट्रोल का इस्तेमाल किया, ये तो फॉरेंसिक जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। गई है सर, क्या देखिए, पुलिस में साक्ष्य को इकट्ठा करना ही महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसके लिए वेसल को बुलाया गया है। वेसल सभी घटनाओं पर, घटनास्थलों पर जा रही है और वहाँ जाकर जो भी साक्ष्य हैं उन्हें इकट्ठा करेगी और साक्ष्यों के आधार पर अग्रतर हम लोग अनुसंधान। सर, किन किन जगहों में गई है सर ये? जिन जिन जगहों पर घटना हुई, जहाँ आगजनी की घटना हुई थी, जो भी घटनास्थल हैं सभी जगह। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो खबर बिहार शरीफ से है, जहां बिहार शरीफ में हुए तनाव के 4 दिन बाद आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर में सद्भावना मार्च निकाला गया है। इस सद्भावना मार्च में शांति, प्रेम और भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया गया। वही सद्भावना मार्च में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और सांसद के प्रमंडलीय आयुक्त सहित विभिन्न राजनीतिक दलों एवं विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। बता दें कि इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार ने कहा कि सद्भावना मार्च से आपस में प्रेम और भाईचारा का पैगाम जाएगा। हम लोग रोजा में रहकर के सब आए, अब सब चकरा रहा है रोजा में। हम लोग सब लोगों को पैगाम यही है कि हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, शांति बना कर रखें, सब चकरा रहा मेरा। शांति मार्च किया, शांति और प्रेम भाईचारा का पैगाम दिया, इसी पैगाम से समाज में मुक्ति हो सके। बिल्कुल देखिए सर, ये पूरा तत्वों ने जो गलत किया है उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। बाई एंड लार्ज पूरा शहर शांति चाहता है, अपने रोज़मर्रा के कामों में लगना चाहता है। प्रशासन भी इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है कि लोग अपने नॉर्मल लाइफ में रहें, शांति व्यवस्था से रहें। जो निर्दोष पकड़ा रहा है सर, उस पर क्या किया जाएगा? वो अनुसंधान का विषय है, अगर कोई निर्दोष होगा तो उस पर अवश्य जाँच करके उनको मुक्त किया जाएगा। सर, क्या मैसेज दे रहा है सद्भावना मार्च के माध्यम से? शांति, भाईचारा और सब लोग आराम से रहें, नॉर्मल रहें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपको कोई कठिनाई नहीं है। सर, अब तक क्या कार्रवाई की गई है सर इसको? वहीं बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर बाजार समिति प्रांगण में एक अधेड़ का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वरीय प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंस आई है, हम लोग भेज रहे हैं हॉस्पिटल में। जिस तरह से पड़ा था, लगता है कि जैसे अंधों में गिर गया हो, एक तरह से लगता है कि यही हो रहा है कि व्यक्ति अपने आप गिरा है अपने ही बल के बल। तो अभी कहना कुछ मुश्किल है, कंक्लूसिव कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि हो सकता है अपने आप या तो गिरे हैं या हॉस्पिटल। किसी प्रकार की कोई इंजरी कहीं भी नहीं है। आपने पलटवा कर दिखाए, कहीं जिंदा तो नहीं है वो? हम लोगों ने चेक कर लिया, उस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई इंजरी प्रथम दृष्टया नहीं है।
खबर नवादा से है, जहां पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली और पुलिस की मनमानी से भयभीत ई रिक्शा यूनियन संघ के चालकों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि ई रिक्शा चालकों का कहना है कि शहर में 2 से 3 जगह पार्किंग नहीं होने की एक जगह की जाए और अवैध वसूली न की जाए, इन्हीं सब मांगों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने शहर भर में प्रदर्शन किया है। के जो बर्ताव है तो ऑटो वालों को मारपीट होती है, इसको बंद किया जाए और इसकी जो जो किराया है हमारी उसको सभी जगह से 25 रुपया बढ़ाया गया है। और कि ये जो 3 नंबर स्टैंड प्लस 11वां स्टैंड और फुल पार में जो वसूली किया जाता है उसको एक जगह किया जाए, जो टेंडर एक जगह हुआ है, एक आदमी का हुआ टेंडर, उसको एक ही आदमी को ही दिया जाए। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के धमसेना गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ के साथ राम धुनी को लेकर 151 महिलाओं के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गांव के पास जगधर घाट से कलश में जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण कर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वही यज्ञ को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि आज से 7 दिनों तक वृंदावन धाम से पहुंचे कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनाया जाएगा और उसके बाद 2 दिन तक बिहार के कोने कोने से पहुंच रहे रामधुनी मंडली द्वारा अखंड राम नाम महायज्ञ की भी शुरुआत होगी, जिसमें नेपाल की महिला मंडली भी शामिल है। अच्छा। उसके बाद हम लोग भागवत समाप्ति के बाद अष्टजाम का क्रम स्टार्ट होगा और विभिन्न कलाकार, अच्छा अच्छा कलाकार हम लोग बहुत दूर दराज से, पूर्णिया से, कटिहार से, मधेपुरा से और सहरसा से हम लोग कलाकार यहाँ आ रहे हैं, नेपाल से सब कलाकार के द्वारा कला और नृत्य का प्रस्तुति दिखाया जाएगा। अच्छा। हम लोग भारी तादाद में पूरे गांव के लोग जन सहयोग से यह कार्यक्रम चला जा रहा है। क्या होगा जी? 48 घंटा अर्जाम होगा। अच्छा, भागवत कथा समाप्त होने के बाद क्या होगा? 48 घंटा अर्जाम होगा। 48 घंटा जी। अच्छा, भागवत कथा जो आप लोग कर रहे हैं उसमें पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से आ रहे जी। 48 घंटा अष्टजाम का भी कार्यक्रम है जी। कई गो मंडली भाग, जिसमें 10 गो मंडली है, दूर दराज सभी कलाकार हैं। अच्छा। रामलीला भी होगा, कृष्ण लीला भी होगा। गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर मार्केट के पास हल्दी से भरी पिकअप वैन ने बाइक सवार को बचाने के दौरान डिवाइडर से टकरा गई और हल्दी से भरी वैन सड़क पर ही पलट गई। वहीं इस घटना से कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बंद हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू की है। कहाँ लेके जा रहे थे? पटना साइड में, नाम पता नहीं भाई। अच्छा, कैसे हुआ ये घटना, कैसे घटा? एक मोटरसाइकिल वाला आया, वो हमको चकमे से कैसे कर दिया, तो उसको बेचारा बचाने चकमे से लग गया बस, और कोई दिक्कत नहीं। और किसी तरह से कोई क्षति भी हुई? क्षति नहीं, मेरी गाड़ी खाली पलट, गाड़ी ओवरलोड भी थी? ओवरलोड नहीं, इतनी माल लगा था, माल तो पूरा फाड़ ले रही है। क्या नाम हुआ, क्या नाम बताए? सहरसा शहर के नया बाजार में स्थित श्रीराम सेकेंडरी स्कूल का 15वां स्थापना दिवस समारोह का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी ब्रजकिशोर सादा, निदेशिका लिपिका, ASI श्वेत कमल और प्राचार्य DN सिंह के साथ उदित नारायण दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। उसके बाद बच्चों ने नृत्य, कॉमेडी तथा एकांकी नाटक का प्रदर्शन भी किया। खबर सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र से है, जहां के रहने वाले एक युवक अपनी पत्नी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुपहा से छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे थे और इस दौरान रेलवे के बगल में 2 अपराधियों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में रेफरल अस्पताल राघोपुर लाया गया, जहाँ से घायल को बेहतर इलाज के लिए DMCH दरभंगा रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पहले तो डॉक्टर साहब से उन्होंने देखा था और उसको रेफर कर दिया गया, उनकी हालत तो बड़ी बनी थी। कहाँ पे गोली लगा था? पेट में, पेट से ही गोली लगा। गोली सर अंदर गया है या अंदर नहीं गया सर? अभी उसका स्थिति ठीक है, रेफर हो गया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खान है।
कौन हॉस्पिटल कौन सा, क्या नाम है? दूसरा हॉस्पिटल राज है। ठीक। जहां एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है, तो वहीं इस नए वेरिएंट को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल काफी सजग और अलर्ट नजर आया। बता दें कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की तो नियमित रूप से संचालन हो रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा कोरोना को लेकर नियमित रूप से जाँच की जा रही है। बता दें कि इसके साथ ही अस्पताल में 25 बेड की भी सुविधा है। प्रतिदिन लगभग 100-125 के बीच में जांच होता है एंटीजन और आरटीपीसीआर मिला के। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आए हैं हमारे यहाँ, और बाकी अगर किसी को होता है तो पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ बाकी सब सुविधा है। आइसोलेशन 25 आइसोलेशन का बेड है जिसमें कोविड के मरीज को रखने की पूरी सुविधा है। ऑक्सीजन लगभग क्या सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है या नहीं? ऑक्सीजन प्लांट है, हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई है। हमारे यहाँ कोविड-19 से बचाव के लिए पूरी व्यवस्था है। आप अभी हर जगह घूम करके देखे भी हैं और देख भी सकते हैं कि हमारे यहाँ ये ऑक्सीजन प्लांट है जो यहाँ ऑक्सीजन बन करके हमारे प्रत्येक बेड पर जाता है। हमारे अभी 50 बेड का ये अस्पताल है और लगभग 50 बेड पर जो है ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है। साथ साथ हमारे यहाँ 92 जंबू सिलेंडर है जो उसको हम अलग से भी जो है अगर पेशेंट बढ़ता है तो बेड उसी के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाएगा। मतलब कोविड का जब पेशेंट पूरे बेड पे आ जाएंगे तो अभी कोविड का पेशेंट है या नहीं? नहीं, अभी कोविड का पेशेंट कोई एडमिट वार्ड में नहीं है। ये ऑक्सीजन प्लांट जब शुरू होता है तो कोई परेशानी कोई दिक्कत रोगियों को? नहीं, कोई रोगी को कोई दिक्कत नहीं होता है। सबको मिल रहा है ऑक्सीजन? हाँ, सबको मिलेगा पूरा, मैंने पाइपलाइन सब का व्यवस्था पूरी कंप्लीट है। ये जो ऑक्सीजन प्लांट है क्या सिर्फ कोविड के लिए है या अन्य? हमारे यहाँ जो 50 बेड ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड कोविड-19 के लिए बना हुआ है उसके ज्यादा उससे ज़्यादा अगर मरीज आता है कोविड-19 का तो हम लोग इस मशीन का उपयोग भी करते हैं। इस मशीन को ये प्लग में बिजली के प्लग में लगाने पर ये चालू हो जाता है और ये ऑक्सीजन बनाता है। आप देख रहे होंगे इसमें जो है जो दो पॉट लगा हुआ है जिसमें हम लोग वाटर जो है जो बदलते रहते हैं उस वाटर से ये मशीन ऑक्सीजन बना करके पेशेंट को जो है जो सप्लाई करता है। क्या लगता है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं क्या? अभी तक तो मशौरी में नहीं आया एक भी पॉजिटिव केस, लेकिन दोनों टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। किसी का साइन सिम्टम रहता है तो उनको दोनों टेस्ट कर दिया। लगभग कितना टेस्ट किया गया? कल तो लगभग 117 हुआ था टोटल। कल अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, रैपिड 50-60 के बीच में होता है और आरटीपीसीआर 70-60 लगभग होता है। कुछ मामले आए हैं क्या? नहीं, अभी तक पॉजिटिव केस यहाँ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम GNM सरिता कुमारी, SDH मसौरी। किस चीज को लेकर टेस्टिंग किया जा रहा है? कोविड के लिए। कितने लोगों को टेस्टिंग किया गया होगा अभी तक? 125 तक के लगभग। क्या कोई सा मामला आया है जो पॉजिटिव पाया गया है? सॉरी, में तो नहीं आया है। ये टेस्टिंग लगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर।